खंडवा से बड़ी खबर, गेहूं चने का समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद होने के कगार पर है। समर्थन मूल्य पर केंद्रों पर बारदाना खत्म होने की वजह से स्थितियां बन रही है। 79 केंद्रों पर 27 मार्च से गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। 25 केंद्रों के पास बारदाना नहीं है। खुले में पड़ा हुआ 5 लाख क्विंटल गेहूं नागरिक आपूर्ति निगम सहकारिता विभाग के पास भी व्यवस्था नहीं है। ये बड़ी अपडेट है। तो बड़ी मात्रा में गेहूं अभी खुले पर पड़ा हुआ है और ऐसे में इसके खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। खंडवा से बड़ी खबर है, गेहूं चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी अब बंद होने के कगार पर आ गई है। समर्थन मूल्य केंद्रों पर बारदाना खत्म होने की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। कुल मिलाकर के 79 केंद्रों पर 27 मार्च से गेहूं की खरीद लगातार की जा रही है। 25 केंद्रों के पास बारदाना नहीं है। नागरिक आपूर्ति निगम सहकारिता विभाग के पास भी व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में बड़ा सवाल इस व्यवस्था को लेकर के है कि जो खरीदा हुआ गेहूं है वो कैसे बिना बारदाने के उसको वहां से उठाया जा सकेगा, कैसे गोदाम तक पहुंचाया जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर बारिश होती है तो ये गेहूं खराब हो सकता है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से होता है, इसकी वानगी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।